हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल नवापरा और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरी प्यारी सी ब्लॉग में। परंतु हाँ भाई, तेरा नाम रेशु है, इसका नाम रेशु है। तो भाई रेशु को हम सिखाने जाने वाले कार, आपको तैयार हो तुम? यस। हमारे साथ एक और पर्सन जुड़ चुके हैं, हमारे भाभी भी आने वाले है हमारे साथ। और मनस्वी, आप आने वाले हो? मनस्वी देखेगी। A few moments later. तो आपको क्या लगता है कि भाई कौन सा रोड सेफ रहेगा हमारे लिए? भाई इनके लिए नहीं, क्योंकि हमें सिखाना है इसको, तो हमारे लिए कौन सा सेफ रहेगा रोड? तो हम तैयार हो? यस। ये सब तो आपको पता ही है ना। तो आपको हम मैनुअल दिखा देते हैं पहले। तो ये होता है स्टेरिंग, क्या बोलते हैं इसको? स्टेरिंग। इसको स्टेरिंग बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे तीन चीजें देख रहे हो ना आप, उसमें से ये पहला वाला है ना, वो क्लच है। क्लच क्या होता है? चलो इस साइड आ जाओ। ब्रेक मारो इनके चार बच्चे। ये भगवान क्या जुलूम है। पहले तो अपना सीट बेल्ट लगा लो आप। चलो फटाफट, क्या चालू रखूं? लाइट। लाइट कौन सा वाला लाइट? क्या बोलते हैं? लाइट, आगे का लाइट, आगे पीछे सब। अच्छा, आजू बाजू जो गाड़ी आती है उसको पता चले कि ये ड्राइविंग सीखने वाला ड्राइवर है। पहला तो बहुत सीखने वाला। तो मैं हूँ कहूँ हेलो, तो आपको एडजस्टमेंट हो चुका है आपका? आपको दिख रहा है रोड पूरी तरह से? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। देखो, दिखने भी लगा है, इसको डर लग रहा है। देखो कितना डर लग रहा है, ये पकड़ के बैठी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है भाभी आपको डर लग रहा है? भाभी को डर नहीं लग रहा है, पर रेशु को डर लग रहा है। भाई कितनी देर लगेगी तुम्हें यार ये सीट बेल्ट लगाने में, इतनी देर लगाते हो? चालू करो। हाँ हो गया। क्लच क्यों छोड़ा? क्लच नहीं छोड़ना है, ठीक है? दबा के रखना है, धीरे धीरे छोड़ना है, ठीक है? भाई का माहौल चाह चुका है पूरा। भाई का माहौल चाह, दोनों उतर चुके हैं बाहर। मुझे लग रहा है कि ये लोग थक चुके हैं। भाभी बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ। सच्ची में बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। ऐसे डरते नहीं है, चलो। अच्छे बच्चे डरते नहीं है, चलो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हो गया ना, चालू हो गया ना। अभी धीरे धीरे बस ऐसे ही चलाते रहो, ठीक है? क्लच ना दबाना, क्लच नहीं दबाना है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा सा लीवर दो। कैसा लग रहा है? डर लग रहा है। अभी क्या डरना, गाड़ी यहाँ से डायरेक्ट दिखता है पीछे, और ये साइड वाला जो ग्लास होता है, ये वाला और ये वाला, उससे साइड में जो गाड़ी चली आती है वो दिखती है, ठीक है? समझ में आ गया आपको कि नहीं आया? सामने देख के बोलिए यार, समझ में आया? सामने मतलब वहाँ सामने देख के जोर से बोलिए कि आपको समझ आ चुका है। तो चलो धीरे धीरे, अभी थोड़ा लीवर दो। हाँ, अभी कम कर दो, लीवर कम कर दो। लीवर कम कर दो, एकदम बंद कर दो लीवर। देना ही बंद कर दिया ना? किसका आ रहा है? चलो अभी थोड़ा थोड़ा क्लच कर लो। बच्चे, हाँ बच्चे वाला तो ब्रेक होता है। बच्चे वाला ब्रेक होता है। ये वाला ऐसे घुमाओ, अभी छोड़ दो। भाभी और मनस्वी वहाँ पे खड़े हुए देख रहे हैं हमको कि कब हमारी बारी। तो भी नहीं थे, ब्रेक मारे तो झटको लगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। भी तो भाभी और मनस्वी दोनों फिर से आ चुके हैं। आपको कैसा लगा ड्राइविंग इसका? देख रहे थे ना बाहर से, बढ़िया था। तुमने
तो तू क्यों डर रही थी? है डर क्यों रहे थे? तो आप बोलो, पहली बार चला रहे थे ना, तो पहली बार चला रहे थे इसलिए मनस्वी को डर लग रहा था। चलो, और गाड़ी भी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है और बढ़िया तरीके से चला रही है। एक बार सिखाया है हमने, पर हमारा ड्राइविंग स्किल यार इतना अच्छा है ना भाई, हम एक बार सिखा लेते हैं ना किसी को, मतलब आ ही जाता है सबको, क्योंकि हमारे पास इतना यार टैलेंट है ना ड्राइविंग सिखाने का, अनुभव है। तो कुकू भाई, आपने लापरवाही का नतीजा है। आप यहाँ पे बैठ जाओ, मैं यहाँ बाहर खड़ा रहता हूँ, एंड आप चलाओ गाड़ी और मैं देखता हूँ, ठीक है, कि कैसे चलानी है। चला रहे हो ना? अकेले चलाओ यार, अच्छा लगेगा आपको। अभी नहीं भाभी, अकेले भाई। ये तू क्यों भाग रही है? तू क्यों भाग रही है भाई? हेलो, ये भाग रही है, क्यों भाग रही है तू? आपको डर लग रहा है भाई, ये अकेले चलाने में डर लग रहा है, तो कोई बात नहीं, हम ही चला लेते हैं। तो चलो भाई, फाइनली थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहाँ से यार टर्न लेना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने ले लिया है गाड़ी, क्योंकि यार सिखाने का स्किल कैसा लगा मेरा। एंड मेरी वाइफ को यार गाड़ी सिखाना बहुत मुश्किल नहीं था, इतना तो मुश्किल नहीं था। गाड़ी सिखाना हमें भारी पड़ सकता था या नहीं पड़ सकता है, वो आप हमें कॉमेंट में बताइए यार, कि इसको गाड़ी सिखाए या ना सिखाए। क्योंकि हम भाभी से भी पूछ लेते हैं भाई, भाभी को क्यों नहीं सीखना है गाड़ी, तो पहले भाभी से पूछ लेते हैं, भाभी आपको गाड़ी क्यों नहीं सीखना है? वो रेशु चलाती और मैं साइड में बैठूं। अच्छा भाई, सेठानी लोग है ना, जो सेठानी होती है ना, वो बाजू में बैठती है और उसके ड्राइवर चलाते है कार, तो ये ड्राइवर है और ये सेठानी है। जेठानी, जेठानी है, सेठानी नहीं है, जेठानी है। और आप हमें यार शेयर कीजिए यार, व्हाट्सएप में और ग्रुप में अदर जगह पे शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना भूलना ही मत। चलो, बाय बाय, लव यू।